पाकिस्तान एक बार फिर नाकाम हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर इशू को उठाने में। पाकिस्तान का ऑल वेदर एलाय यानी कि चाइना इकलौता ऐसा देश था जो समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर इशू को उठाने में। चाइना ने एक बार ये भी कोशिश की कि क्लोज कंसल्टेशन में ही सही पर कश्मीर इशू पर बात हो सके, लेकिन जितने भी बाकी मेंबर देश थे उन सभी ने कह दिया कि कश्मीर इशू इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल मामला है, उसे बायलैटरल तरीके से ही सुलझाना पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, जो कि सिक्योरिटी मामलों में एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन में। धन्यवाद। सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि चाइना ने बार बार कोशिश की है कि क्लोज कंसल्टेशन में ही सही लेकिन कश्मीर इशू पर बात हो। एक बार बात हुई भी, लेकिन उसके बाद दो बार उसका ये अटेम्प्ट भी फॉइल किया गया बाकी देशों के द्वारा, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान खुद तो कुछ करने के काबिल नहीं है, इसलिए वो हमेशा चीन का सहारा लेता है और चीन की भी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस है कि वो पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि आज के हालात में वो मेड फॉर ईच अदर है, तो इसलिए चीन ने भी इस बार दोबारा कोशिश की कि जो एक पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की क्लोज्ड मीटिंग होती है, ये मीटिंग बुलाई गई थी एक्चुअली एक अफ्रीका के कोई कंट्री के बारे में डिस्कस करने के लिए, पर उसमें एक ऑप्शन होती है एजेंडा पॉइंट्स के अंदर टू डिस्कस एनी अदर इशू। तो चीन ने पेश किया था कि कश्मीर का इशू डिस्कस किया जाए, लेकिन फ्रांस और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं और नॉट ओनली द परमानेंट मेंबर्स, अदर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आल्सो, दे ऑल सेड कि हमें ये इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी है क्योंकि ये भारत का अंदरूनी मामला है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा, स्लैप है नॉट ओनली द फेस ऑफ चाइना। बिल्कुल, बाकी देशों ने ये कह दिया कि ये एक डोमेस्टिक इशू है, इसे आप कितनी बड़ी जीत मानते हैं इंडिया के लिए? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो लॉबीज काम कर रही हैं पूरे दुनिया के अंदर भारत को डिफेम करने के लिए कश्मीर मसले को लेकर, उनके सबके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। उनको समझना चाहिए कि दुनिया के जो देश है वो अच्छी तरह जानते हैं कि भारत जो कर रहा है वो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कर रहा है और कोई भी सॉवरेन रिपब्लिक की एक जिम्मेवारी है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी काम करता है उसके ऊपर दूसरे रिपब्लिक जो है वो कमेंट नहीं करते हैं और ना इंटरफेयर करते हैं। तो ये भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की और भारतीय डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये भी मानना पड़ेगा कि जब से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ है तब से ये जो अटेम्प्ट्स हैं ये बढ़ गए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहले अगर कश्मीर इशू के ऊपर बात करने के लिए कोई देश सोचता भी नहीं था, तो अब बार बार पाकिस्तान चाइना दोनों कोशिशें कर रहे हैं कि कम से कम इस पर बात हो, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बौखलाहट दर्शाता है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास एक ही मुद्दा था इंटरनेशनलाइज करने के लिए और वो था कश्मीर का मुद्दा, क्योंकि बाकी जो पाकिस्तान के अंदर हालात है पाकिस्तान उसके ऊपर पर्दा डालता है। अगर वो दुनिया के सामने जाना चाहता था वो कश्मीर मुद्दे को लेकर, अब जब कश्मीर मुद्दा ही नहीं रहा तो पाकिस्तान क्या करेगा? तो ये उस बुकलाहट का एक कारण है, इसको जितनी देर तक वो खींचना चाहता है खींच सके ताकि रेलिवेंट रहे पाकिस्तान। पर पाकिस्तान को एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि दुनिया अच्छी तरह जानती है कि भारत का क्या स्टेटस है और पाकिस्तान का क्या स्टेटस है, और भारत के स्टेटस को पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी दुनिया के देश भी जो है वो अच्छी तरह जानते हैं कि भारत जैसा देश जो भी करेगा वो एक एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, नॉट एज ए रोग नेशन। पाकिस्तान को एक रोग नेशन मानते हैं जबकि भारत को एक रिस्पॉन्सिबल नेशन माना जाता है विच फॉलोज ऑल नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। तो इसलिए पाकिस्तान के जो डेस्परेट अटेम्प्ट्स है, पाकिस्तान कोशिश करता रहेगा लेकिन मुझे लगता है कि एंड में कहीं ना कहीं जाके उसको हार माननी पड़ेगी। इंडिया के जो परमानेंट एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में सैयद अकबरुद्दीन, उन्होंने ये कहा है कि बायलैटरल मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान को करना चाहिए और पाकिस्तान जो है एक अलार्मिस्ट सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है आर्टिकल 370 के डाइल्यूशन के बाद से कि वो बार बार कश्मीर इशू को उठाए। तो ये बायलैटरल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने के लिए जो उन्होंने कहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये तो भारत का शुरू से ही जो स्टैंड रहा है कि
कि पाकिस्तान ने अगर भारत के साथ कुछ भी उसको गिरा शिकवा है तो शिमला एग्रीमेंट के तहत उसे बायलेटरल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले आर्टिकल, ये आर्टिकल 370 की डायल्यूशन के बाद पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम ट्रेड इंडिया के साथ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब पोलियो मार्कर्स की जरूरत पड़ी तो तब भी उन्होंने कहा कि हम ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। तो आपको लगता है कि वो भी एक क्या कहेंगे कि नेगेटिव पॉइंट चला जाएगा कि पाकिस्तान के कोर्ट में? देखिए पाकिस्तान जो है ना वो मौका प्रस्त देश है, ना उनके पास कोई आइडियोलॉजी है, ना उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन, ना उनके पास लीडरशिप है, एक डूबता हुआ कंट्री है। इसलिए जब भी जो भी उसको मौका मिलता है जिंदा रहने के लिए वो उसका अडॉप्ट करता है। यहाँ तक भारत के साथ बायलेटरल रिलेशंस की बात है, पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि अगर उसको जीवित रहना है, अगर पाकिस्तान को एज ए नेशन सर्वाइव करना है तो देयर इज नो अदर ऑप्शन देन टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया। पर वहां की जो लीडरशिप है वो इस हकीकत को नहीं समझने को तैयार, क्योंकि वहां की लीडरशिप जो है वो फौज के हाथ में है और पाकिस्तानी फौज जो है वो भारत को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानती है। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा पाकिस्तानी फौज का कि इंडिया इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच बायलेटरल रिलेशन इंप्रूव नहीं हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, इन्होंने भी कहा कि इंडिया का जो स्टैंड है कश्मीर के ऊपर वो हमेशा से क्लियर रहा है, हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि बायलैटरल मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बात करें, अपने बीच में जो टेंस रिलेशंस हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान पहले भी और आर्टिकल 370 की डायल्यूशन के बाद से बार बार कोशिश करता आया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर इशू को वो उठाए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो एक टॉप यूरोपियन डिप्लोमैट भी ये कह दिया है कि जो कश्मीर इशू है वो एक डोमेस्टिक अफेयर है और उसे उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस में ट्रीट किया जाएगा। लेकिन चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जैंग, उन्होंने ये कहा है कि हमें बहुत चिंता है जम्मू कश्मीर की और जब से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो चुका है तब से हम और ज्यादा फिक्रमंद हो गए हैं कश्मीर को लेकर। तो इन दोनों चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और बात करूं मैं इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि चाइना ने कोशिश की कि अदर मैटर्स यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के क्लोज कंसल्टेशन में जो अदर मैटर्स हैं उसमें कश्मीर का इशू उठाया जाए, लेकिन फ्रांस या बाकी जितने मेंबर नेशंस थे यूनाइटेड नेशंस के उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बायलैटरल मैटर है उसे इसी तरीके से सुलझाया जाए।